हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पावर ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने एसी सर्किट में अपने पिछले वीडियो में इंपीडेंस ट्रायंगल को समझा था कि इंपीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सीरीज सर्किट के लिए हमको इंपीडेंस ट्रायंगल मिलेगा और पैरेलल सर्किट के लिए हमको एडमिटेंस ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पावर ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि एसी सर्किट में जो पावर है यानी जो शक्ति है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक, पहली हम लोग की होती है अपरेंट पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं आभासी शक्ति। दूसरी होती है हम लोगों की रियल पावर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर यानी सक्रिय शक्ति। और तीसरी होती है हम लोग की रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, निष्क्रिय शक्ति या फिर प्रतिघाती शक्ति भी कह दिया जाता है, निष्क्रिय या फिर प्रतिघाती शक्ति। ठीक है, तो ये तीन शक्तियाँ होंगी क्या, हम किस शक्ति का क्या रोल है हमारे सर्किट में, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एसी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वो किससे किया जाता है, अल्टरनेटर से यानी कि प्रत्यावर्तक से किया जाता है। अब जो प्रत्यावर्तक है वो जिस शक्ति का उत्पादन कर रहा है वो शक्ति हम लोग की कहलाती है आभासी शक्ति। मतलब एसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा का गुणन फल जो होता है वही हम लोग की कहलाती है अपरेंट पावर। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एस से। ठीक, कैपिटल एस से वी इंटू आई का गुणा कहलाएगा आपका अपरेंट पावर। अब वी का मात्र क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मात्र क्या है, वोल्ट, और धारा का मात्र क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो जो अपरेंट पावर है इसका मात्र क्या हो जाएगा, वी ए, यानी एसी परिपथ की जो कुल शक्ति है वही कहलाती है हम लोग की क्या, अपरेंट पावर। ठीक, चलिए अब अल्टरनेटर ने शक्ति बना दी, उस शक्ति को हम क्या करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना है। और जिस शक्ति का हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग का मतलब यहाँ से ऐसा नहीं कि जो लॉस में जा रही है, नहीं, कुछ शक्ति ऐसी होती है जो हमको मिलती ही नहीं है। जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होता है ये क्या करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अल्टरनेटर पर वो सारी की सारी हमको नहीं मिल पाएगी रिसीविंग एंड पर। अगर ऐसा हो जाए तो मतलब क्या है, वो आइडियल कंडीशन है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी को डिलीवर करेगा, पावर को डिलीवर करेगा, और इंडक्टर क्या करेगा, उसको रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व कर लेगा, यानी कैपेसिटर देगा इंडक्टर लेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पूरा शक्ति नहीं, शक्ति का कुछ हिस्सा। तो जो शक्ति हमको कार्य करने के लिए मिल रही है यानी जो हम लोग की यूजफुल पावर है, उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर या फिर एक्टिव पावर। रियल पावर या एक्टिव पावर जो कार्यकारी शक्ति है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से। ठीक, कैपिटल पी से फार्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। ठीक, तो आप बेसिक सा समझिए, जहां पर भी आपको वाट लिखा हुआ मिल जाए, ठीक, वो कौन सी शक्ति होगी आपकी, रियल या फिर एक्टिव पावर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो कुल शक्ति थी, उसमें से जो हमको कार्य करने के लिए मिली कार्यकारी शक्ति, वो कहलाई हम लोग की एक्टिव पावर। अब जो पावर हम लोग को नहीं मिल रही है, ठीक, या जो ऊर्जा हम लोग को नहीं मिल रही है, वो उत्पन्न तो हो रही है लेकिन हमको मिल नहीं रही है कार्य करने के लिए, वो क्या कहलाएगी, रिएक्टिव पावर कहलाएगी। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं पी और आर, आर डिनोट करता है रिएक्टिव पावर को। पी आर इज इक्वल टू होता है वी आई साइन फाइव, वी आई साइन फाइव, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर और कैपिटल में आर, आर आपका डिनोट करेगा रिएक्टिव पावर को। तो वी ए आर किसका मात्रक है,
रिएक्टिव पावर का मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, एक्टिव पावर का मात्रक है, वीए किसका मात्रक है, अपरेंट या फिर आभासी शक्ति का मात्रक है। यानी अगर हम लोग इसको समरप करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपरेंट पावर होगी ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, देखिए रिएक्टिव पावर को कहीं पीआर और कहीं कहीं आप कैपिटल क्यू भी लिखा मिल जाएगा, पीआर या फिर कैपिटल क्यू, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल क्यू ही लिखते हैं पीपी में कंफ्यूजन ना हो, जिससे ये हम लोग की हो गई क्या क्यू, ठीक। लेकिन क्या ये वैलिड है, ये कैसा सम है, अर्थमेटिक सम है, अंगणितीय योग है कि 40 जोड़ो और प्लस 30 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 70। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सी सर्किट है, एसी सर्किट है, और एसी क्या है, फेजर क्वांटिटी है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमको अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा, ठीक। यानी आपका वेक्टर में होगा और हम लोग को मालूम है एक रियल नंबर होगा और एक क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा। जैसे हम लोगों ने इम्पीडेंस में देखा था, क्या देखा था, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, ये जे प्लस भी हो सकता है, ये जे माइनस भी हो सकता है, प्लस जे इंडक्टिव के लिए, माइनस जे कैपेसिटिव के लिए, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इसको देखा था। तो सेम ऐसे ही यहां पर भी जो पावर होगी वो पी प्लस माइनस जे क्यू, पी प्लस माइनस जे क्यू के फॉर्म में हो जाएगी। मतलब जो आपकी अपरेंट पावर है ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का अलजेब्रिक सम होता है, यानी कि बीजगणितीय योग होता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर, और यहां पर भी प्लस माइनस सेम मीनिंग को डिनोट करेंगे। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। प्लस का मतलब आपका हो जाएगा कि इंडक्टिव है, और माइनस का मतलब हो जाएगा क्या है, कैपेसिटिव है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो यानी अगर इसको हम ट्रायंगल के रूप में बनाने का प्रयास करें, इसको हम त्रिभुज के रूप में बनाने का प्रयास करें, तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना दें, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना दें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो भैया, ये हो गया कर्ण, दैट्स मीन एस, ये हो गया आधार, दैट्स मीन पी, और ये हो गया लंब, दैट्स मीन क्यू, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं। बात समझ में आई। अगर इस फार्मूले से नहीं प्रूव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ यहाँ से प्रूव करना चाह रहे हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक। क्या मिलेगा, अब देखिए, कुल शक्ति क्या थी, S, S के ही दो घटक निकले, S के ही दो घटक निकले, एक निकला क्या, रियल पावर यानी एक्टिव पावर, और दूसरा निकला क्या, रिएक्टिव पावर यानी Q, ठीक। तो आपको एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि जो एक्टिव अपरेंट पावर थी V इंटू आई, अपरेंट पावर क्या थी, V इंटू आई, इसी V इंटू आई का जो cos phi वाला कंपोनेंट है, वी आई को हमने cos phi के साथ लिखा, वो क्या कहलाया हम लोग का, एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, जबकि उसी को जब हम लोगों ने साइन के साथ लिखा तो क्या बन गया, वो रिएक्टिव पावर बन जा रहा है। दैट्स मीन, देखिए यहां से दिख रहा है आपको, हम लोग पढ़े हैं जब भी कोई बल किसी एंगल पे होता है तो क्या होता है, उसके दो घटक होते हैं, एक होता है उसका क्षैतिज घटक जो कि कार्यकारी होता है, और दूसरा होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो यही चीज तो हमको दिख रहा है, देख लीजिए, ये जो फाई है, एंगल फाई है, और कौन सा बल है या कौन शक्ति है यहाँ पे, कैपिटल एस। तो कैपिटल एस जो फाई एंगल पे लग रहा है, इसके दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक है, दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक हमको दिख रहा है। तो ये जो क्षैतिज घटक है इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एस कॉस फाई, क्या लिख सकते हैं, एस कॉस फाई, और क्यू को क्या लिख सकते हैं, एस साइन फाई। बोलिए भाई, बात इतनी क्लियर है, Q को लिख सकते हैं हम लोग S इंटू साइन फाई, क्योंकि ये क्या है, S का वर्टिकल कंपोनेंट है, और P को लिख सकते हैं हम लोग S cos फाई, क्योंकि ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दैट्स मीन आप यहाँ से देखिए तो ये चीज़ वैलिड भी है, V इंटू आई जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, S लिख सकते हैं, और cos फाई को एज इट इज उतार दिया गया तो मिला क्या, P इज इक्वल टू S cos फाई, और यूनिट याद रखिएगा क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर Q इज इक्वल टू S इंटू क्या लिखेंगे, साइन फाई, और यूनिट क्या हो जाएगी, वी ए आर। बात समझ में आई।
ठीक। अब एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर हम लोग फेज एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फेज एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा और पावर ट्रायंगल को पढ़ा। ठीक, देखिए क्या होगा। फेज एंगल किसको बोले थे हम लोग, फाई को ही तो बोले थे। फेज एंगल क्या माने थे हम लोग, फाई ही तो माने थे। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच बनने वाला कोण ही कहलाया था हम लोग का फेज एंगल फाई। उसी फेज एंगल फाई को जब कॉस के साथ लिखा गया था तो बन गया था सर्किट का पावर फैक्टर। तो क्या आप यहां से फाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। हमें मिलेगा क्या, पी अपॉन एस इज इक्वल टू कॉस फाई, या फिर फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी बाई एस। ये कहां से मिल रहा है, फ्रॉम पावर ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, पावर ट्रायंगल है। फिर हम लोगों ने इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा है, वहां से हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड, कॉस इनवर्स आर बाई जेड। ये किस ट्रायंगल से है, इंपीडेंस ट्रायंगल से। ये कहां से है, इंपीडेंस ट्रायंगल से, क्योंकि वहां पे क्या आया था, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। कॉस फाई बराबर क्या था, आर बाई जेड। तो फाई बराबर कॉस को इनवर्स में कर दिया, आर बाई जेड, या फिर पावर के रूप में लिखना चाहें तो पी बाई एस लिखा जा सकता है। इतनी बात भैया समझ में आई, ठीक। और आप टेन फाई से भी निकाल सकते हो, आप ये साइन फाई से भी निकाल सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं आने वाला, सबसे सेम आंसर ही आएगा। बस आपको जो वैल्यू दी गई है वहां से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे आपको मान लीजिए सवाल में पी और क्यू की वैल्यू दे दिया आपको, सॉरी एस और क्यू की वैल्यू दे दिया, तो अब एस दिया क्यू दिया, तो आप यहां से पी तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फायदा निकालने का, टाइम क्यों वेस्ट करना, जबकि हमको पता है यहां से दिख रहा है कि क्या q बाई एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, साइन फाई, एंड फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स q बाई एस। तो क्या यहां से q और s के साथ से हमने फाई निकाला, बिल्कुल निकाल लिया। क्या हमको p निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं। अगर हमको p दिया गया हो और s दिया गया हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक। तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप साइन से निकालो, कॉस से निकालो, या फिर टेन से निकालो, फेज एंगल आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि शक्ति क्या है, कैसे जा रही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकल क्या, हम लोगों ने स्प्राइट देखा होगा, स्प्राइट की जो बॉटल होती है, ठीक, स्प्राइट की बॉटल बना लेते हैं, ये छोटा सा ऐसे कुछ स्प्राइट की बॉटल है, वो बंद है। तो जब बंद होती है तो हम लोग को दिखता है कि ये इतना लिक्विड के फॉर्म में क्या है, भरा हुआ है, ढक्कन बंद है, ठीक। यहीं पे एक ग्लास रखा जाए, ये आपका एक ग्लास हो गया। जब हम लोग इस स्प्राइट को निकाल कर इसमें डालेंगे, ग्लास में डालेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ये लिक्विड है ये तो नीचे आ जाता है, लिक्विड नीचे नीचे आ जाता है, और ऊपर वाले भाग में आपको क्या दिखता है, झाग फॉर्म हो जाता है ढेर सारा, जो कि कुछ देर बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। कुछ देर बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बस यही तो हम लोग की शक्ति है। ये जो बॉटल में भरा हुआ था टोटल, यही क्या है, हम लोग की अपरेंट पावर है। जो ये टोटल था ये क्या था, अपरेंट पावर था। अब हमने कहा जो कार्यकारी होगा वही क्या होगी, एक्टिव पावर होगी। कार्यकारी मतलब जो हमारे काम की है। अब स्प्राइट में क्या काम का है, लिक्विड ही तो पियोगे आप, तो हमारे काम का क्या था, ये लिक्विड था। तो ये जो इतना भाग है ये क्या है, हम लोग की एक्टिव पावर है, यानी किलोवाट है। और जो फॉर्म है, जो झाग है, कुछ समय बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, किसी काम का था हमारे नहीं। क्या वो बॉटल के अंदर भरा हुआ था, नहीं, जब वो आया ग्लास में डाला गया तब वो आ गया। सेम ऐसे ही हम लोग का ये जो रिएक्टिव पावर है ट्रांसमिशन लाइन में खुद से ही जनरेट हो जाएगी, जब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट आएगा, इंडक्टेंस इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आप लगाने नहीं जाओगे कि इंडक्टर लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं, लगाते हैं इसकी वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं, हम इस रिएक्टिव पावर के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो खुद ही बनता है कैपेसिटर इंडक्टर, उसकी वजह से हम लोग की रिएक्टिव पावर आ जा रही है। तो ये जो हम लोग का इतना नीला नीला भाग है ये कौन सी शक्ति है, क्यू है, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ा गया, क्या मिल गया, एस।
ठीक। आई होप आपको इतनी पॉइंट समझ में आया होगा कि जो लिक्विड है वही जो कार्यकारी है, उसी को पिएंगे वही काम का है तो एक्टिव पावर है, जो फॉर्म है जो झाग है वो क्या हम लोग की रिएक्टिव पावर है, मतलब कुछ समय के लिए है, उसके बाद क्या होगा गायब हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। और इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक बंधु, चलिए तो ये था हम लोग का पावर ट्रायंगल को लेकर इतनी चीजें जो हम लोगों ने समझी। अब फिर भी रिपीट कर रहे हैं एक चीज कि जब प्लस हो और जब माइनस हो तो ये आपके पावर फैक्टर को यहीं से डिसाइड कर देगा। क्या डिसाइड करेगा, पॉजिटिव किसके लिए होता है, लैगिंग के लिए होता है, इंडक्टिव नेचर के लिए होता है, निगेटिव होता है आपके कैपेसिटिव नेचर के लिए। ठीक, चलिए इतना हम लोगों ने कवर कर लिया पावर ट्रायंगल भी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल को लेकर, जिससे हम चीजों को आसानी से समझ सकें। ठीक, तो चलिए अब देखिए, आपको सवाल दे दिया, बोला कि एक सर्किट में S इज इक्वल टू, ठीक आपको दे दिया ऐसे ही कि क्या है 40 प्लस J 30, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया KVA, ठीक S की वैल्यू दे दिया आपको। अब आपसे सवाल ने पूछ लिया कि बताओ भैया एक्टिव पावर कितनी है, बताओ रिएक्टिव पावर कितनी है, बताओ अपरेंट पावर का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक जनरल इक्वेशन होता है पावर का, S इज इक्वल टू प्लस जे क्यू। बोलो, पढ़ा है हम लोगों ने S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, बहुत ही आसान पढ़ा हम लोगों ने। अब यही सॉल्व कर लो, P की जगह पे क्या लिखा हुआ है, दोनों कंपेरिजन कर दो, P की जगह पे क्या लिखा हुआ है 40 हो गया। अब मात्रक क्या होता है एक्टिव पावर का, वाट होता है, बट यहां पे किस में दिया गया है, केवी किलो में दिया गया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे 40 किलो वाट। ठीक है, फिर ऐसे ही क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है 30, क्या लिख मिल जाएगा KVAR, क्यू का मात्रक VAR और किलो में है तो क्या लिख दिया गया किलो। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होगी 40 की 70, नहीं अल्जेब्रिक सम होगा, दैट्स मीन क्या लिखेंगे अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा P का स्क्वायर 4 चौक 16 100 प्लस, ठीक 30 90 900 और सब किलो वाट में ही जा रहा है, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2500, दैट्स मीन 50 KVA, 50 KVA कुल शक्ति होगी, जिसमें आपका जो किलो वाट वाला है इसका पोर्शन ज़्यादा है, KVAR वाला पोर्शन क्या है कम है। ठीक, तो पावर को लेकर ये था। अब ऐसा कुछ भी दे देगा आपको, आप कुछ भी दे देगा, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछेगा, दे देगा जेड इज इक्वल टू 4 या दूसरा लेते हैं वैल्यू 8 माइनस जे 6 ओम, 8 माइनस जे 6 ओम, और आपसे कहेगा बताओ जेड का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, पावर फैक्टर का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ पावर फैक्टर क्या होगा बताइए। ठीक, बात समझ में आ रही है, सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि तो हमको पता है जनरल इक्वेशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस माइनस होता है, माइनस से माइनस लगा दिए जे एक्स, अब एक्स की जगह पर यहाँ क्या होगा बंधु, एक्स ही होगा ना, हम लोगों ने पढ़ा है प्लस होता है एक्सएल के लिए, माइनस होता है एक्सी के लिए, सॉल्व कर लेंगे, आर की जगह पे कितना लिखा हुआ है 8 ओम हो जाएगा। ठीक, एक्स सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6 ओम हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट, अब 8 14 थोड़ी करेंगे, 8 और 6 14 करेंगे नहीं, क्या होगा अल्जेब्रिक सम होगा, दैट्स मीन स्क्वायर करके तब जोड़ के अंडर रूट निकाल देंगे, 8 28 64 6 6 36 अंडर रूट 100 मतलब 10 ओम, जेड आ गया, आर आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, कॉस फाई क्या होगा, अब सोचो आर बाई जेड होगा कि जेड बाई आर होगा, पैरेलल में क्या हो जाता है जेड बाई आर हो जाता है, कॉस फाई बराबर यहाँ पे हम आर बाई जेड लगाएंगे, क्योंकि ये क्या सर्किट है, इम्पीडेंस
रेजिस्टेंस रिएक्टेंस किस लाइन के होते हैं, किस सर्किट के होते हैं, सीरीज सर्किट के पैरामीटर होते हैं। जबकि पैरेलल सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, वाई होता है, बी होता है और जी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, आर की वैल्यू कितनी है 8, आर की वैल्यू 8, जे की वैल्यू सॉरी जेड की वैल्यू कितनी है 10, यानी कितना हो गया 0.8। ठीक है, अब नेचर ऑफ पावर फैक्टर, नेचर का मतलब क्या होता है, यूनिटी लीडिंग की लैगिंग। अब आप बताओ, वो तो पहले ही केवल इक्वेशन देख के आप बता सकते थे कि नेचर क्या होगा। यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन मतलब क्या होता है, लीडिंग। माइनस साइन मतलब निगेटिव शो करता है लीडिंग पावर फैक्टर को, पॉजिटिव शो करता है लैगिंग पावर फैक्टर को। ठीक भैया, चलिए इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसी सर्किट को आगे कंटिन्यू रखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।